गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आज आप लोग सब सेफ है और बहुत ही अच्छे से घर पे है, परिवार के साथ है। आज हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है सेमेस्टर 4 का, जो कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन जो पेपर है उसके अंडर में आता है। हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज क्या क्या है। ये टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज जो है RPWD एक्ट 2016 में स्पेसिफाई किया गया था। जितने भी डिजीज हैं इसको एक्ट 2016 के अनुसार इसको स्पेसिफाई कर दिया गया था 6 पार्ट्स में। इन 6 पार्ट्स में किसको किस पार्ट में रखा गया था इसको हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले जाने RPWD क्या है। RPWD है जो राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटीज पर्सन है उनके लिए राइट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो क्राइटेरिया बांध दिया गया था, जो 4 क्राइटेरियाज में बांटा गया था, 6 क्राइटेरियाज में बांटा गया था, वो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016 स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो फिजिकल डिसेबिलिटीज। आप देखेंगे कि फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंडर में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आंखों से जो भी दोष होता है वो आता है फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंदर में। नेक्स्ट आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है वो आता है फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंदर। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, जिसको बोलने में तकलीफ होती है, लैंग्वेज में तकलीफ होती है, ये आता है फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंदर में। नेक्स्ट आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज मतलब होता है हाथ पैर से जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो आता है फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंदर में। नेक्स्ट हमारा है जो बांटा गया है वो है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर क्या क्या आता है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और है आपका पार्किंसंस डिजीज। ये दोनों डिजीज आता है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंडर में। नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में हम लोग ने पहले भी चर्चा कर लिया है, लेकिन फिर भी आज हम लोग जानेंगे कि इसको किस कैटेगरी में इसके अंदर क्या क्या डिजीजेज आते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही जाना है, इसको और विस्तार से दूसरे वीडियोस में जानेंगे। आज हम लोग जानते हैं ये किसके अंडर में आता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज डिसऑर्डर्स और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स, ये दोनों आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा 4th जो है वो है ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज। ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिसेबिलिटीज आते हैं वो है हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, ये तीनों आते हैं ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज। हीमोफीलिया के बारे में आप लोगों ने सुना ही है, थैलेसीमिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं जिसको ब्लड की कमी होती है, और सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज ये भी ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस यानी कि जिसको मेंटली प्रॉब्लम है वो आता है आपका 0.5 में टाइप्स में। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंदर में बहुत सारे आते हैं जिसको हम लोग बाद में जानेंगे, और ये सारे जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है कि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार स्पेसिफाई किया हुआ कितने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैं। तो आप लिख सकते हैं 6 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 टाइप्स क्या क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटीज, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस एंड मल्टीपल डिसऑर्डर्स। तो मुझे उम्मीद है आज का जो टॉपिक है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। हम इसे बाद में डील करेंगे दूसरे वीडियोस में, और इसे आप लोग अपने माइंड में सेट कर
कर ले ताकि आप लोग एग्जाम में भी अच्छे से दे पाए। धन्यवाद।